अस्सलाम वालेकुम। हम डिस्कस कर रहे थे बिजनेस लॉ चैप्टर 20 इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कंपनी की इनकॉर्पोरेशन के, कंपनी की रजिस्ट्रेशन के 6 स्टेप्स होते हैं हमारे पास। 5 तो फिक्स्ड हैं हर कंपनी के केस में होते हैं, जो 6th स्टेप है वो किसी कंपनी में हो सकता है और किसी कंपनी में नहीं भी हो सकता है, वो कंपल्सरी नहीं है। इनको हमने थोड़ी बहुत ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था लास्ट वीडियो के अंदर। इस लेक्चर के अंदर हम जो गेटिंग अवेलेबिलिटी ऑफ सूटेबल नेम है उसको डिटेल में डिस्कस करते हैं कि क्या कैसे हमने नेम लेना है, कैसे हमने वो अप्रूव करवाना है, कैसे वो हमारा नेम रजिस्टर होगा होगा हमारे रजिस्ट्रार के पास। और अगर हम कोई ऐसा नेम रखते हैं जो हमें SEC ने, कमीशन ने, गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किया हुआ, तो उस पर हमें पेनल्टी किस तरह से हो सकती है, वो कंपनी किस तरह से पेनलाइज हो सकती है। हमारा जो पहला स्टेप है वो है गेटिंग अवेलेबिलिटी ऑफ द सूटेबल नेम फ्रॉम रजिस्ट्रार। क्योंकि ये मेरा बिजनेस है या ये 4 बंदों का बिजनेस है जो कंपनी रजिस्टर करवाने जा रहे हैं, तो वो जो नेम रखना चाहें रख सकते हैं, उनकी मर्जी है, उनका अपना बिजनेस है, उनकी अपनी कंपनी है, वो जो नेम रखना चाहें वो रख सकते हैं। लेकिन SEC ने, लॉ ने कुछ नेम क्या कर दिए हैं, मना कर दिए हैं, वो क्या कर दिए, बैन कर दिए, उन पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि अगर ऐसा कोई नेम होगा तो कंपनी उस नेम से कंपनी को वो रजिस्टर नहीं करेंगे। अब हम देखते हैं कि वो कौन से नेम हैं जिनको लॉ ने, जिनको गवर्नमेंट ने डिसअलाउ किया है, जिनकी गवर्नमेंट ने परमिशन नहीं दी। पहला हमारे पास है कि ऐसा कोई वर्ड नाम के अंदर आ रहा है, ऐसा कोई एक्सप्रेशन आ रहा है जिसको कमीशन या SEC मना कर दे कि हाँ जी आप इस नाम को, इस वर्ड को यूज नहीं कर सकते अपनी कंपनी के नेम के अंदर। फिर आता है कि अगर आप एक ऐसे नाम से कंपनी रजिस्टर करवाने जा रहे हैं जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उस नाम से कंपनी, जैसे कि अगर आप PepsiCo के नाम से करवाने जा रहे हैं रजिस्ट्रेशन कंपनी की, तो वो आपकी कंपनी रजिस्टर नहीं होगी क्योंकि ऑलरेडी PepsiCo के नाम से कंपनी रजिस्टर्ड है। जैसे अगर आप एक बैंक ओपन करवाने जा रहे हैं, अगर हबीब बैंक लिमिटेड ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो आप हबीब बैंक के नाम से नया बैंक रजिस्टर नहीं करवा सकते। ऐसे ही आपके पास जो आदम जी इंश्योरेंस ग्रुप है या EFUL इंश्योरेंस है, आप इस नाम से एक और इंश्योरेंस की कंपनी या कोई और कंपनी रजिस्टर नहीं करवा सकते। अगर ऐसा ही कोई नेम आप लेकर जा रहे हैं जो किसी ऑलरेडी रजिस्टर्ड कंपनी के साथ रिजेंबल कर रहा है, जैसे कि PepsiCo ऑलरेडी है, तो आप क्या कर देते हो, PepsiCola रख देते हो अपनी कंपनी का नाम, तो क्या कर रहे हैं, आपस में रिजेंबलेंस हो रही है। ऐसा भी कोई नाम आप इनकॉर्पोरेट या रजिस्टर नहीं करवा सकते। फिर हमारे पास आता है ऐसा कोई नेम जो इनअप्रोप्रिएट है, डिसेप्टिव है, तो वो भी क्या है, आपको अलाउ नहीं है, आप अपनी कंपनी का नाम वो नहीं रख सकते। फिर आता है ऐसा कोई नाम जो आप रखने जा रहे हैं जिस नाम की वजह से किसी भी रिलीजन के बंदों के जो सेंटीमेंट्स हैं, जो उनके एटीट्यूड्स हैं, वो क्या हों, आप उनको एक्सप्लॉइट करने जा रहे के लिए जो रख रहे हैं, तो वो आपको नाम क्या है, प्रोहिबिटेड है, वो आपको अलाउ नहीं है। इसके अलावा एनी अदर ग्राउंड एज मे बी स्पेसिफाइड। इन सारे बताने के बाद SEC ने कहा है कि हमारे पास पावर है तो हम किसी और नाम को भी बैन कर सकते हैं। हमने लास्ट चैप्टर में 2019 में पढ़ा था कि SEC के पास बहुत ज़्यादा पावर है। उसमें मैंने कहा था कि हम आपको आगे देखेंगे कि आपको आइडिया होगा कि SEC के पास पावर्स किस तरह से हैं। अब देखिए, आप कंपनी का नेम भी रजिस्टर नहीं करवा सकते, SEC कोई भी ग्राउंड, कोई भी बेसिस बनाकर आपके नाम को डिसअप्रूव कर सकती है। ये थे वो नाम जो SEC ने बैन किए हुए हैं कि आप ये नाम रख ही नहीं सकते। फिर अब हम देखते हैं कि ऐसे कौन से कुछ नाम ऐसे भी हैं जिनको रखने के लिए आपको पहले गवर्नमेंट से या कमीशन से अप्रूवल लेना होता है। SEC से आप रजिस्ट्रार के पास जाते हैं, उनसे आप अप्रूवल लेते हैं कि हाँ जी क्या ये मैं नाम रख सकता हूँ। अगर आपको अप्रूवल देगा तो फिर आप वो नाम रखेंगे। हम देखते हैं कि वो कौन से नाम है जिनके हमें अप्रूवल चाहिए। पहला है कि अगर आपको ऐसा नेम रखने जा रहे हैं जो एफिलिएशन शो करे, जो कनेक्शन शो करे आपके कंट्री के, पाकिस्तान के या किसी और कंट्री के हेड ऑफ स्टेट के साथ, जैसे कि आपको ऐसा नाम रखने जा रहे हैं जो कि नवाज शरीफ के नाम से आपको कंपनी खोलने जा रहे हैं, जरदारी के नाम से कोई कंपनी खोलने जा रहे हैं, ओबामा के नाम से कोई कंपनी खोलने जा रहे हैं, तो आपको उसके लिए पहले SEC से अप्रूवल लेना होगा कि हाँ जी क्या मैं इस नाम से कंपनी ओपन करना चाहता हूँ, क्या मैं ओपन कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। आप ऐसा कोई कंपनी का नाम रखने जा रहे हैं जो आपकी
कनेक्शन शो करे कम आपकी कंपनी का और गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, वो लोकल गवर्नमेंट भी हो सकती है, फेडरल गवर्नमेंट भी हो सकती है, किसी अथॉरिटी के साथ आपकी एफिलिएशन शो करे, तो आपको क्या लेना होगा, पहले SECP से, रजिस्ट्रार से उस नाम की अप्रूवल लेनी होगी। अगर आप ऐसी कंपनी रजिस्टर करवाने जा रहे हैं जो ऑलरेडी गवर्नमेंट की किसी और लॉ के अंडर आपस में कनेक्शन शो कर रही है, तो उसका भी आप क्या करेंगे, SEC से अप्रूवल लेंगे। इसी तरह अगर आप ऐसी कंपनी जैसा करवाने जा रहे हैं जिस कंपनी का कोई कनेक्शन शो हो रहा है किसी फॉरेन गवर्नमेंट के साथ, या किसी ऐसी कंपनी के साथ जो फॉरेन और इंटरनेशनली रजिस्टर्ड हो, उसका भी आप क्या लेंगे, पहले SECP से अप्रूवल लेंगे। अगर आप कोई मदारबा मैनेजमेंट कंपनी जैसा करवाने जा रहे हैं, तो वो भी क्या होगी, आप उसका भी SECP से पहले अप्रूवल लेंगे। इसके अलावा ऐसा कोई बिजनेस जिसको रन करने के लिए आपको गवर्नमेंट से क्या लेना होता है, अप्रूवल लेना होता है। फॉर एग्जांपल आप कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यूज करने जा रहे हैं, बनाने जा रहे हैं फार्मास्यूटिकल, क्योंकि फार्मास्यूटिकल कंपनी बना चलाने के लिए, बनाने के लिए, रन करने के लिए आपको स्पेसिफिकली लाइसेंस लेना पड़ता है, अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं। जैसे अगर आप कोई पेट्रोलियम की कंपनी स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको क्या लेने होते हैं, स्पेसिफिकली अप्रूवल लेने होते हैं। तो ऐसी किसी कंपनी के केस में भी उन्होंने क्या करना है, जो जिसके लिए आपको स्पेसिफिकली लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है रन करने के लिए, तो आप उस कंपनी के रजिस्ट्रेशन के नाम का भी क्या लेंगे, SECP से अप्रूवल लेंगे। अब हम डिस्कस करते हैं, हमने डिस्कस कर लिया कि हाँ जी ये हम नाम रख सकते हैं, ये नहीं रख सकते। अब हमने ऐसा एक नेम सेलेक्ट किया है कि जो प्रोहिबिटेड भी नहीं था, जो के बैन भी नहीं था, और हमें उस नाम की अप्रूवल की भी ज़रूरत नहीं थी। अब हम चाहते हैं कि यार हमने ये नाम रख लिया है, अब कंपनी के डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने के लिए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन प्रिपेयर करने के लिए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन प्रिपेयर करने के लिए हमें कुछ टाइम लग सकता है, महीना भी लग सकता है, 2 महीने भी लग सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि हाँ जी जो हमारा नाम है ये रिजर्व हो जाए, कि ये हमारे अलावा अगर कोई और जाए भी SECB के पास, हम जिस नाम से कंपनी रजिस्टर करवाना जा रहे हैं, तो वो SECB के कहे कि नहीं जी ये नाम ऑलरेडी रिजर्व्ड है, हम आपको इशू नहीं कर सकते, आप इसके अलावा किसी और नेम से इशू करवाएं अपनी कंपनी को। हम देखते हैं कि अगर आप कंपनी का नेम रिजर्व करवाना जो करवाने जा रहे हैं, करवाना चाहते हैं, तो आप किस तरह रिजर्व करवा सकते हैं। आप क्या करेंगे, SECP को यानी रजिस्ट्रार को एक एप्लीकेशन देंगे स्पेसिफाइड फॉर्म एंड मैनर, जो भी फॉर्म है SECP की वेबसाइट सारे अवेलेबल हैं, अब वहां से वो फॉर्म डाउनलोड करेंगे, उसके ऊपर जो फीस मेंशन होगी वो फीस सबमिट करवाएंगे, और रजिस्ट्रार के पास एप्लीकेशन भेजेंगे कि हाँ जी हमारा ये नाम रिजर्व कर दें, और रजिस्ट्रार आपका जो नाम मैक्सिमम 60 दिन के लिए रिजर्व कर देगा। फिर 60 दिन तक उस नाम से कोई और कंपनी रजिस्टर नहीं हो सकती सिवाय आपके। जैसे ही 60 दिन पूरे होंगे, अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करवाए होंगे, तो आपकी जो रिजर्वेशन है वो क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, तो उस नाम से कोई भी और कंपनी रजिस्टर हो सकती है। अगर आपकी जो एप्लीकेशन है रिजर्वेशन की, अगर वो आपकी रजिस्ट्रार कैंसिल कर देता है, क्योंकि रजिस्ट्रार क्या होता है आपके रेलेवेंट रीजन में बैठा होता है, तो आप फिर विदिन 30 डेज, जिस दिन आपकी कैंसिल होगा रिजर्वेशन या एप्लीकेशन रिफ्यूज होगी, आप क्या करेंगे, उससे 30 दिन के अंदर SECP को या कमीशन को अपील करेंगे कि हाँ जी हमने अप्लाई किया था नेम की रिजर्वेशन के लिए, लेकिन कमीशन ने लेकिन सॉरी रजिस्ट्रार ने हमारे नाम को रिजर्व नहीं किया और हमारी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया है, तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारा नाम रिजर्व कर लें। अब ये कमीशन पर डिपेंड करता है कि वो आपकी एप्लीकेशन को भी रिजेक्ट कर देता है या आपके नाम को रिजर्व कर देता है। अगर कमीशन भी आपके नाम को रिजेक्ट कर देता है, तो वो फुल एंड फाइनल होगा, तो फिर आप उसके फैसले के अगेंस्ट किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकते। मतलब जहां पर भी कमीशन ने अथॉरिटी, SECP ने अथॉरिटी पावर अपने पास रखी है कि उनके फैसले को, उनके डिसीजन को आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी चैलेंज नहीं कर सकते। अब हमने नाम रिजर्व कर दिया है, अब नाम रिजर्व करने के पास हमारे पास आता है कि अगर कंपनी का एक नाम है, मैंने एक नाम को रिजर्व कर दिया है, नाम मुझे मिल गया है, कंपनी रजिस्टर भी हो गई है, अब कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के बाद मैंने अपनी कंपनी के नाम को कहाँ कहाँ पर पब्लिश करना है। पहले है कि नेम एंड इनकॉर्पोरेशन नंबर ऑफ एवरी लिमिटेड कंपनी। इनकॉर्पोरेशन नंबर, जैसे कि हमने कहा था कंपनी एक क्या है, पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन है, जैसे एक नेचुरल पर्सन का CNIC नंबर होता है, ID कार्ड नंबर होता है, सेम टू सेम हर कंपनी का अपना एक इनकॉर्पोरेशन नंबर होता है जो उसकी आइडेंटिटी होती है। तो
तो आप उस कंपनी का नेम और साथ में इनकॉर्पोरेशन नंबर आप डिस्प्ले करेंगे कंपनी के हर ऑफिस के बाहर, एक वाजे तौर पर जहां पर नजर भी आएगी, हाँ जी कंपनी यहाँ पर ये नाम लिखा हुआ है, ये कहाँ पर कंपनी का ये एड्रेस है और ये कंपनी यहाँ पर ये उसका ऑफिस है, वाजे वो नाम आपका नजर आना चाहिए। उसके अलावा कंपनी जहाँ पर उसके आउटलेट्स होंगे, जहाँ पर उसके जो ऑफिसेज होंगे, जैसे लाइक लेट्स सपोज फैक्ट्री होगी, तो उसके बाहर भी जो सर्टिफाइड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, लास्ट वीडियो में आपको डिस्कस किया था कि जब आपकी कंपनी रजिस्टर हो जाती है तो रजिस्ट्रार आपको क्या देता है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देता है कि हाँ जी आपकी कंपनी रजिस्टर हो गई, मतलब NIC देता है, आईडी कार्ड देता है कंपनी का। तो आपने क्या करनी है, उसकी एक सर्टिफाइड कॉपी को अपने हर प्लेस ऑफ बिजनेस के बाहर डिस्प्ले करना है। फिर उसके अलावा कंपनी की अपनी स्टैंप होती है, जैसे हम क्या कहते हैं सील ऑफ द कंपनी, तो उस कंपनी की स्टैंप के ऊपर कंपनी का नाम इंग्लिश और उर्दू में दोनों लैंग्वेजेस में वाजे तौर पर उसके ऊपर होना चाहिए था कि जब आप स्टैंप लगाएं तो उसके ऊपर आपका इंग्लिश में भी नाम वाजे आना होना चाहिए और उर्दू में भी नाम वाजे होना चाहिए। उसके अलावा कंपनी का नेम, एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, टेलीफोन, फैक्स नंबर, ईमेल आईडी एंड अगर कोई वेबसाइट है तो वो भी, जितने भी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स होंगे, जैसे कि कंपनी का लेटर हेड होता है, कंपनी की इनवॉइसेस हो, जितने भी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स होंगे उन सारे डॉक्यूमेंट्स पर ये चीज़ें मेंशन होना लाजमी हैं। अगर आप इन कंडीशंस को फुलफिल नहीं करते, अगर आप नाम इस तरह से पब्लिश नहीं करते जिस तरह से लॉ में बताया गया है, तो आपकी कंपनी को लीग क्या हो सकती है, पेनल्टी हो सकती है। अब पेनल्टी नेम के केस में किस तरह हो सकती है, अगर आप इन नेम को पब्लिश नहीं कर रहे ठीक तरह से, तो उसमें आपको पेनल्टी लेवल 1 की हो सकती है। SECP ने, लॉ ने इस एक्ट के अंदर आपकी जो पेनल्टीज है उनको 3 लेवल्स में डिवाइड किया है, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3, और उन्होंने लेवल 1 की मिनिमम और मैक्सिमम जो आपका पेनल्टी है, जो आपको फाइन है, वो भी डिफाइन किया है। लेवल 2 की मिनिमम और मैक्सिमम आपको क्या किया उन्होंने, पेनल्टी डिफाइन की है। अब हम देखते हैं कि अगर आप नाम को पब्लिश नहीं करते तो उसमें पेनल्टीज आपको किस तरह से लग सकती हैं। लेवल 1 की पेनल्टी इन केसेस में आपको कंपनी को लग सकती है कि जिस तरह से उन्होंने कहा है कि आपने नेम डिस्प्ले करना है, अगर आप डिस्प्ले नहीं करते तो। अब लेवल 1 की पेनल्टी में क्या आता है, मैक्सिमम पर डे आपको 500 फाइन हो सकता है और मैक्सिमम फाइन टोटल में आपको 25,000 तक हो सकता है, 25,000 रुपया तक फाइन आपको हो सकता है। अगर आपको जो सील, आपके जो जो आपकी जो सील है कंपनी की, जो स्टैंप है, अगर उसके ऊपर आपका नाम इनग्रेव्ड नहीं है तो फिर भी आपको क्या होगा, फाइन होगा लेवल 1 का। अगर कंपनी की कोई और बंदा आपकी क्या कर रही है, आप कोई और कंपनी की सील यूज कर रहे हैं, स्टैंप यूज कर रहे हैं कॉमन सील, तो वो भी क्या होगी आपकी, उस पर आपको लेवल 1 की पेनल्टी हो सकती है। अगर आप कोई ऐसा डॉक्यूमेंट इशू कर रहे हैं जिसके ऊपर कंपनी का नेम, कंपनी का एड्रेस, कंपनी का फैक्स नंबर, कंपनी का टेलीफोन नंबर, कंपनी की ईमेल आईडी नहीं लिखी हुई या वेबसाइट नहीं लिखी हुई अगर है, तो फिर उसमें आपको क्या होगी, लेवल 1 की पेनल्टी हो सकती है। ये था हमारा आज की वीडियो का लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया है कि हमारे पास क्या क्या चीजें, नेम हम किस तरह रिजर्व कर सकते हैं, किस तरह से पब्लिश कर सकते हैं, क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं और क्या क्या उस पर पेनल्टीज हो सकती हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल्स ऑफ, सॉरी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।